दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप जितना मैदा। एक टेबलस्पून जितना नमक, चुटकी भर अजवाइन, और 1 बड़ा चम्मच तेल। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे पानी भी एडजस्ट करते जाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जो आपका आटा है वो ना तो नरम होना चाहिए और ना ही कड़क होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए कुछ इस तरह से। हमारा जो डो है यहाँ लगभग बन चुका है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इस आटे पर थोड़ा सा और तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से एक और बार मैश कर लेंगे। अब हम इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है और यहाँ हमने अपने पेड़े ले लिए हैं। अब इस पेड़े को हम इस सूखे आटे पे लगा लेंगे और इसकी पतली पतली रोटियाँ बेल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक स्टील की कटोरी ले ली है और इस रोटी को हम इसके ऊपर लगा लेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। आपको उसको प्रेस करना है और इस कटोरी पे इसको चिपका देना है। अब हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और अब हम अपनी कटोरी की पपड़ियों को इसमें डाल देंगे। और इसे तब तक तलेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। अब हम इसे पलट के देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हल्का हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इन कटोरियों की पपड़ियों को बाहर निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग के लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी पपड़ी ली है और इस पर हम डालेंगे 2 चम्मच मीठी दही। दो चम्मच इमली की चटनी, थोड़े से बॉयल मैश किए हुए आलू, थोड़े से बॉईल किए हुए काले चने, थोड़ा सा सेव। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और टमाटर, अब हम डालेंगे मीठी दही, बॉईल मैश्ड आलू, इमली की चटनी और बारीक सेव। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और काला चना डाल देंगे और आखिर में थोड़ी सी मीठी दही और डाल देंगे। हमारी कटोरी चाट यहाँ तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।